हेलो एवरी वन सो लेट्स डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर सो फर्स्ट वन इज योर एग्जाम्पल फोर पॉइंट फाइव एलिमेंट डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स और आई जो आपका वैक्टर है इस प्लेस्ड एट द ऑरिजन एंड कैरीज अ लार्ज करंट आई इज इक्वल टू टेन एम्पियर्स वट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सेस एट अ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फाइव मीटर सो दैट डेल्टा एक्स इज़ गिवन वन सेंटीमीटर और आपके पास ये फिगर भी गिवन है तो आपको क्या बोला गया है कि यहाँ पर एक एलिमेंट है कोई आपका जो डेल्टा एल जिसे डेल्टा एल से रिप्रेजेंट करा जा रहा है और उसकी वैल्यू डेल्टा एक्स यानी कि वो क्या है आपका एक एलिमेंट है जिसमें डेल्टा एल डेल्टा एक्स के बराबर है और डेल्टा एक्स यानी कि उसकी लेंथ वन सेंटीमीटर गिवन है और यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर ऊपर को हम चले पॉइंट फाइव मीटर तो इस पॉइंट पे आपको क्या निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वाई एक्सिस पर और यहाँ पर जो करंट गिवन है वो आपका इस पे टूवर्ड द एक्स एक्सिस जा रहा है वो आपका टेन एम्पियर्स है तो आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो यहाँ पर क्या है आपके पास एक एलिमेंट है स्मॉल एलिमेंट है जिसके थ्रू आपका करंट भी जा रहा है तो यानी कि यहाँ पर आपका कौन सा लॉ लग सकता है बायट सेवर्ट लॉ लग सकता है जो कि स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से किसी पर भी मैग्नेटिक फील्ड को बताता है सो so नाव जो गिवन चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे वी हैव वी हैव गिवन दैट करंट इज़ इक्वल टू टेन एम्पियर्स करंट आपका टेन एम्पियर्स है और उसके बाद जो आपका डी एल है यानी कि स्मॉल एलिमेंट है जो या फिर आप ये भी लिख सकते हैं जो डेल्टा एल है या फिर जो डेल्टा एक्स है सेम ही चीज़ें है ये स्मॉल एलिमेंट की उसका जो जो उसकी लेंथ है वो कितनी है दैट इज़ गिवन टू यू कितनी है वो वन सेंटीमीटर है वन सेंटीमीटर है अब इसको हम चेंज करेंगे मीटर में तो डिवाइडेड बाय हम यहाँ पर 100 करेंगे तो यहाँ पर हमारी ये डिस्टेंस जो है वो वन अपॉन हंड्रेड मीटर आ चुकी है नाउ डिस्टेंस यहाँ से लेके सेलिमेंट से लेके उस पी पॉइंट तक का डिस्टेंस तो वो कितना हो जाएगा तो डिस्टेंस जो है डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा उस पॉइंट तक का वो आपका है यहाँ पर पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव मीटर है तो हमें यहाँ पे लगाना है बायट सेवेट लॉ सो अकॉर्डिंग टू द बायट सेवेट लॉ सो अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू बाय सेवेट लॉ बाय सेवर्ट सेवेट लॉ अकॉर्डिंग टू बाय सेवेट लॉ क्या होता है कि किसी भी स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पी तक का जो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर लग रही है वो कितनी होगी वो आपकी होगी डी बी इज़ इक्वल टू देखो स्मॉल एलिमेंट है आपका करंट एलिमेंट तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड यह एक्सपीरियंस करेगा वो भी स्मॉल होगी तो डी बी होगी दैट इज़ इक्वल टू कितना होता है यहाँ पर म्यू नाउट अपॉन फोर पाई रहता है ओके okay, और आपका आई हो गया यहाँ पे डी एल साइन थीटा डी एल साइन थीटा अपॉन कितना हो जाएगा आर स्क्वायर आर स्क्वायर क्या है आर क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है आपका आर ना वी शुड नो कि ये थीटा क्या है थीटा इज द एंगल बिटवीन क्या है ये एंगल है बिटवीन किसके बिटवीन है बिटवीन आपका जो ये डी होता है डी एल वैक्टर एंड आपका जो आर वैक्टर होता है ओके पोजिशन वैक्टर होता है पोजिशन वैक्टर किस डायरेक्शन में होगा ऑब्वियसली पोजिशन वैक्टर आपका किस डायरेक्शन में होगा यहाँ से इधर आर इधर देख रहे हो तो पोजिशन वैक्टर भी आपका इस डायरेक्शन में पोजिशन वैक्टर होगा तो इनके बीच का ये एंगल होता है थीटा ये आपको पता होना चाहिए अगर हम यहाँ पर देखें डी और आर का जो ये थीटा एंगल है वो अब कितना हो? होगा यहाँ पर ध्यान से देखो जो आपका डीएल है डीएल यानी कि ये वाला जो डीएल है उसकी अगर जो वैक्टर अगर हम देखेंगे तो वो किस डायरेक्शन में होता है डीएल की डायरेक्शन उस डायरेक्शन में होगी जहाँ पर आपका करंट जा रहा है तो करंट जा रहा है आपका इस डायरेक्शन में तो डीएल की डायरेक्शन ये होगी और आर जो पॉइंट है वो है इस डायरेक्शन में तो आर आपका ये हो जाएगा सो दैट मीन्स आपका जो एंगल है थीटा है थीटा इज इक्वल टू नाइनटी डिग्री इन दिस केस ओके सो so, आपका थीटा 90 डिग्री पता चल चुका है सो so, यहाँ पर साइन 90 हम पुट करेंगे और बाकी जो वैल्यूज है वो यहाँ पर हम पुट करेंगे डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू नॉट की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी होती है टेन रेज टू दी पार माइनस सेवन इंटू फोर पाए डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या आ जाएगा फोर पाई ऑलरेडी है यहाँ पर I जो है वो आपका टेन एम्पियर्स है करंट इन जो डी है डी की वैल्यू कितनी है डी की वैल्यू वन अपॉन हंड्रेड है तो यहाँ पर वन अपॉन हंड्रेड मीटर आपने कर लिया एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका साइन नाइन्टी हो गया साइन नाइन्टी अब क्या होता है वन होता है और यहाँ पर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर है तो आर की वैल्यू कितना है वो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक पॉइंट है तो आप लिखोगे पॉइंट का होल स्क्वायर तो जब कैलकुलेशंस आप करोगे तो डी बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से फोर पाई फोर पाई कैंसिल आउट हो गया ओके यहाँ पर एक जो ज़ीरो था वो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास फाइनली कितना बचा यहाँ पर टेन डेज टू दी पार माइनस सेवन अकेला बचा ओके और यहाँ पर क्या है टेन डेज टू दी पार माइनस सेवन है और ये यहाँ पर कितना हो जाएगा टेन डेज टू दी पार ऊपर को जाएगा तो ये कितना हो जाएगा टेन डेज टू दी पार माइनस वन हो जाएगा डन और डिवाइडेड में ये तो वन हो गया ये कितना हो जाएगा आपका फाइव फाइव से ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाय और नीचे भी जो टेन होगा उसके स्क्वायर होने की वजह से ये जीरो आ गए सो दैट मींस हमारे यहाँ कितना आ रहा है फर्दर ये जो डी बी है वो उसकी वैल्यू कितनी आई इज़ इक्वल टू बेस सेम है तो पावर एड हो जाएगी माइनस सेवन माइनस वन इज़ इक्वल टू टेन इज़ टू दर माइनस एट हो जाएगा एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा इन टू में ये जो अब हंड्रेड है ये जो आपका जो हंड्रेड है वो आपका ऊपर आ जाएगा तो हंड्रेड यहाँ पर डिवाइडेड बाय कितना करोगे डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फाइव आप करोगे सो so, यहाँ पर आपका ये 100 ऊपर चला गया और यहाँ पर 25 नीचे आ गया तो 25 फाइव फोर से कितने होते हैं 100 होते हैं तो यहाँ पर कितना आ गया इसको कैंसिल करके 4 आ गया तो आपके पास जो डी है मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट वो कितनी आ गई फोर इंटू टेन डेज टू दी पार माइनस ए टेस्ला आएगी यानी कि टेस्ला किसके यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड के ओके ना अगर इसकी डायरेक्शन देखनी है कि यहाँ पर जो डी ये एक्सपीरियंस कर रहा है उसके डायरेक्शन क्या है डायरेक्शन देखो आप कैसे देखते हो राइट हैंड थम रूल से भी आप देख सकते हो क्योंकि आपका जो करंट है वो इस तरफ को जा रहा है तो करंट के डायरेक्शन में मैं अपना थम ले लूंगी कि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो वो जो ये आपकी फिंगर्स है वो डिटरमाइन करेगी तो यहाँ से ये आपका करंट हो गया और इस तरफ को इस तरफ को आपकी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होगा यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर की तरफ जा रहा होगा यानी कि अगर ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस है तो इसके ऊपर जो होगी इसके ऊपर जो होगी वो कौन सी होगी इस डायरेक्शन में नाइन्टी डिग्री और ऊपर को वो जेड डायरेक्शन होगी तो यानी कि जो डायरेक्शन है हम लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ डी बी इज डी बी इज अलोंग अलोंग कौन सी वाली आपकी पॉजिटिव जेड डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में आपकी ये डीबी की डायरेक्शन होगी तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ट्वेल्व एम्पियर इज बेंड इन टू अ सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस टू सेंटीमीटर आपको क्या करना है कि आपने यहाँ पर क्या लिया आपने एक आपने एक वायर ली थी स्ट्रेट वायर उसको हमने इन सच अ वे बेंड करना है कि उसका हाफ जो सेमी सर्कुलर आर्क की तरह उसको ऐसे बेंड कर देना और उसका जो रेडियस है वो कितना है वो टू सेंटीमीटर है कंसीडर द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द आर्क जो ये आर्क है उसके सेंटर पे आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ठीक है नाउ व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट सेगमेंट अब देखो जो फर्स्ट है फर्स्ट आपका क्या बोल रहे हैं जो ए पार्ट है जो ए पार्ट है. है वो क्या बोल रहा है कि जो देखो इसमें ये सेगमेंट है लाइन जो सेगमेंट है स्ट्रेट सेगमेंट्स है ये वाली कर्वी है जो यहाँ पर स्ट्रेट सेगमेंट है इसकी वजह से आपका यहाँ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो निकालो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस केस में हम अलग से यहाँ पर ये बना देते हैं ठीक है थीके? हमने अलग से ये बना दिया तो आपका जो करंट है जो इन्होंने करंट शो करा है वो कहाँ से वो ऐसे है आपका करंट तो यहाँ से हमने करंट लिया और ये भी करंट जा रहा है ये करंट जा रहा बस आपको क्या निकालना है आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस वाले सेगमेंट की वजह से और इस वाले सेगमेंट की वजह से तो हम क्या करते हैं पॉइंट किसी पॉइंट पे अगर हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो हम बायर सेवर्ट लॉक का यूज़ करते हैं जिसमें क्या होता है एक छोटा सा करंट एलिमेंट आप ले लो सपोज यहाँ पर एक छोटा सा आपने करंट एलिमेंट लिया जिसका नाम है डी और उसकी डायरेक्शन क्या है उसकी डायरेक्शन आगे को है और यहाँ पर भी एक छोटा सा करंट एलिमेंट लिया जिसके डायरेक्शन आपकी डी एल कहाँ को है आपके आगे को है तो आपने सपोज इसके विद रिस्पेक्ट टू यानी कि ये जो आपकी लाइन सेगमेंट है उसकी वजह से इस पॉइंट पर इस पॉइंट पे आपको निकालना है क्या आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो यहाँ से लेके इस सेगमेंट से लेके वहां कर वहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा यानी कि जो आर वैक्टर होगा वो कहाँ होगा वो आगे को होगा तो ये जो आर वैक्टर है ये कहाँ है ये आगे को है इस इसकी वजह से जो आपने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वो पोजीशन वेक्टर होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा क्योंकि निकालनी तो अपने बीच में है तो यहां से उसको पीछे आना पड़ेगा तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आर वैक्टर हो जाएगा राइट तो यहाँ पर ये सारी चीजें हो चुकी हैं अब आपने क्या करना है कि बैड सेवेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है अगर आपको पता होगा तो जो डीबी होता है वो उसकी वैल्यू कितनी होती है अगर इसकी वजह ये देखें हम इसकी वजह से इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड अगर आएगी तो वो कितनी आएगी डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फो पाय म्यू नॉट अपॉन फोर पाए आ जाएगी और उसमें आई डी एल आई डी एल साइन ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर आता है तो यहाँ पर जो थीटा है वो कितना है एंगल बिटवीन यहाँ पर देखो यहाँ पर जो एंगल बिटवीन आर एंड डी एल है यहाँ पर थीटा इस केस में क्या है थीटा इस केस में जीरो है क्योंकि जो डी एल और आर है वो दोनों क्या है वो पैलल है एक के डायरेक्शन में है दोनों तो पैलेल वाले के केस में थीटा विल बी इक्वल टू जीरो डिग्री नाउ जो ये डी एल है डी एल इस डायरेक्शन में है इस डायरेक्शन में है और जो आर है वो आपका इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर जो थीटा इन दोनों के बीच में हो रहा है दैट्स बी इक्वल टू वन एटी डिग्री सो नाओ अगर आप देखें तो आपका जो साइन जीरो रहता है वो भी ज़ीरो रहता है अगर आप साइन वन एटी देखो तो वो भी आपका कितना होता है ज़ीरो रहता है सो so, यानी कि दोनों के केस में आपका साइन क्या हो जाएगा यहाँ पर सपोज साइन ज़ीरो डिग्री है तो साइन ज़ीरो कितना हो गया डी भी यहाँ पर कितना हो गया इज़ इक्वल टू तो ज़ीरो हो गया ठीक है इस लाइन सेगमेंट की वजह से अगेन आप क्या करोगे अगर आपने ये वाली लेफ्ट लाइन सेगमेंट देखी उसकी वजह से ज़ीरो हो गया सिमिलरली सिमिलरली अगर आप सिमिलरली अगर आप दूसरी लाइन सेगमेंट देखोगे उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा डी बी डी बी जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा किसकी वजह से जो अनदर आपकी अनदर जो आपकी सेगमेंट है ओके अनदर सेगमेंट है उसकी वजह से भी ज़ीरो हो जाएगा दैट मींस जो ये लाइन सेगमेंट्स है उसकी वजह से इस पॉइंट पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड ये एक्सपीरियंस नहीं करेगा क्योंकि दोनों की वजह से जो कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट वुड बी इक्वल टू जीरो तो ये आपको याद रखना है तो चलिए नेक्स्ट में आपको क्या पूछा गया है इन वट वे द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बी फ्रॉम सेमी सर्कल्स डिफर फ्रॉम दैट ऑफ द सर्क्युलर लूप एंड इन वट वे डज इट रिजेंबल वुड योर आंसर बी डिफरेंट द एफ चलो ये बात में करते हैं हमें ये बोलना है कि आपका जो सेमी सर्कल्स है मतलब अब ये जो सर्कुलर जो पाथ है उसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी वो आपको निकालनी है तो हम इसका बी पार्ट करेंगे अब यानी कि जो ये सर्कुलर पार्ट पाथ है उसकी वजह से आपका जो ये सर्कुलर पाथ है उसकी वजह से यानी कि ये वाला जो ये सर्कुलर पाथ है उसकी वजह से इस पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी देखो ये इसकी वजह से नहीं करना है इसकी वजह से तो जीरो है यहाँ से आपका जो करंट है वो फ्लो कर रहा है करंट आई फ्लो कर रहा है इसकी वजह से यहाँ इस पॉइंट पे कितना आएगा तो आपको पता होना चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है वो आपको गिवन है कितना टू सेंटीमीटर ठीक है सपोज़ ये आर ले लो इसको ओके ये हमने आर ले लिया तो हम क्या करेंगे अगेन इसमें बाइट सेवेट लॉ लगाना पड़ेगा और हमें पता है एक और आपको चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर आप कोई करंट कैरिंग सर्कल लेते हो करंट कैरिंग लूप लेते हो कोई सपोज सर्कल लेते हो तो उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू कितनी होती है उसमें म्यू नॉट म्यू नॉट आई अपॉन टू आर होती है ठीक है टू आर होती है आर इज़ द रेडियस यानी कि रेडियस है ये डिस्टेंस है उनके बीच का अगर आपको ये जो दिखाई दे रहा है इसकी वजह से आपको सेंटर में निकालना तो ये एक तरह का क्या है ये एक तरह का सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी इसकी हाफ हो जाएगी तो यानी कि हम लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सेमी सर्कल यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ड्यू टू अ सेमी सर्कल अ सेमी सर्कल सेमी सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपकी कितनी हो जाएगी जो आपकी फुल सर्कल की वजह से आती है उसका हाफ़ कर लीजिए तो नाउ बी वुड बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन कितना हो जाएगा अपॉन यहाँ पे जो पूरा है इसको डिवाइड करोगे किससे इस पूरे को आप डिवाइड करोगे टू से तो ना उसकी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी म्यू नॉट आई उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और यहाँ पर फोर आर आपकी बन जाएगी यानी कि ये सेमी सर्कल की वजह से इस पॉइंट पे सेंटर पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड है तो अगर ये वाली चीज़ आपके पास आ चुकी है तो यहाँ पर वैल्यूज आप पुट कर लो आपका यहाँ पर आर कितना हो जाएगा आर आपको कितना गिवन है टू सेंटीमीटर गिवन था आपको ओके रेडियस तो टू सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे वो करोगे टू अपॉन हंड्रेड आपका मीटर हो जाएगा ये वाली चीज़ आपकी मीटर में आ गई बाकी चीज़ें आपका जो करंट है वो आपको पता है कितना है ट्वेल्व एम्पियर है करंट जो है वो आपका ट्वेल्व एम्पियर है ये सारी चीज़ें आप पुट करोगे तो नाव जो बी है मैग्नेटिक फील्ड इन इसकी वजह से एट द सेंटर आ रही है म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है फोर पाए फोर पाए इंटू टेन रिज टू दार सेवन होती है माइनस सेवन होती है इंटू जो आपका आई है आई कितना है ट्वेल्व एम्पियर है अपॉन कितना आ जाएगा फोर इंटू आर फोर इंटू आर यानी कि आर क्या है आपका ये है टू अपॉन हंड्रेड है आपका यहाँ पर तो जब आप कैंसिल आउट करोगे जब आप इन चीज़ों को कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा ये फोर से फ़ोर कैंसिल आउट हो जाएगा आपका ठीक है और यहाँ से फोर से फ़ोर कैंसिल आउट हो जाएगा टू सिक्स से ट्वेल्व आ जाएगा तो जो आपका बी की वैल्यू आ रही है और बी की वैल्यू आ रही है वो कितनी आएगी जो हंड्रेड है वो थोड़ा ऊपर को चला जाएगा तो हंड्रेड यहाँ पर है पाई की वैल्यू भी आप थ्री पॉइंट वन फोर खोलोगे देखो थ्री पॉइंट वन फोर आप पाई की वैल्यू आपने ओपन कर ली और यहाँ पर कितना है इंटू सिक्स है ट, ट, टेन डेस्टू थी मार माइनस सेवन यहाँ था ऊपर जाके ये दोनों चीज़ें टेन

पॉइंट मतलब यानी कि उसके सेंटर पे कितनी आती है इतनी मैग्नेटिक फील्ड वो एक्सपीरियंस कर रहा है अगर आप डायरेक्शन देखो कि डायरेक्शन उस मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पर कितनी होगी तो यहाँ पर देखो जो डायरेक्शन है वो जो करंट है राइट हैंड रूल से थम रूल से आप देखोगे करंट कैसे जा रहा है करंट आगे को जा रहा है करंट आगे को जा रहा है तो क्या होगी करंट आगे को जा रहा है तो ये वाला आपकी मैग्नेटिक फील्ड नीचे को हो जाएगी सो so करंट आगे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कहाँ रही होगी इनवर्ड रही होगी दैट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी यहाँ पर क्या है इनसाइड जा रही होगी ओके okay? तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है आप लिख सकते हो यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ जो बी है वो क्या है वो इनवर्ड है इनवर्ड आपको दिखाई देगी क्योंकि आपका जो करंट है थंब रूल के अकॉर्डिंग वो इधर को जा रहा है और जो ये है जो ये वाली फिंगर्स है वो अंदर को जाएगी आपकी Não. अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड पार्ट की सी uh, पार्ट की ओर कि वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ़ द वायर वर बेंड इन टू अ सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ द सेम रेडियस बट इन द ऑपोजिट वे दैट मीन्स आपसे पूछा जा रहा है ये वाला कि अगर आपका सेमी सर्कुलर आर्क ऐसी थी अगर उसे बेंड करा जाए दूसरी तरह से यानी कि अगर इसका हम सी पार्ट देखें अगर इसको ऐसे बेंड करा जाए ऐसे बेंड करा जाए तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी तो उस केस में हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल ही सेम रहेगी ठीक है सिर्फ उसके डायरेक्शन चेंज हो जाएगी क्योंकि मैग्नीट्यूड वगैरह तो सेम है तो यानी कि बी की जो वैल्यू है वो इसमें भी 1.9 पॉइंट नाइन इंटू टेन एस टू दी माइनस फोर टेस्ला ही रहेगी बट बट जो डायरेक्शन होगी बट डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगी डिफर हो जाएगी और वो क्या है डायरेक्शन ऑफ बी क्या है आउटवर्ड आएगी वो आउटवर्ड आएगी फ्रॉम द प्लेन अब ये आउटवर्ड कैसे आएगी यहाँ पर ध्यान से देखो करंट यहाँ पर कहाँ जा रहा है करंट यहाँ पर इस तरह से जा रहा है करंट इस तरफ से जा रहा है इस इस लूप में देखो करंट इधर को जा रहा है फॉरवर्ड तो करंट फॉरवर्ड जा रहा है तो यानी कि आपको जो ये ये वाली फिंगर्स दिखेगी वो कहाँ दिखेगी टुवर्ड्स यू दिखेगी यानी कि इस प्लेन ऑफ पेपर से ऊपर आती हुई नज़र आएगी सो दैट मीन्स हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो आपकी कैसी आ रही है वो यहाँ से हम डॉट लगाएंगे यानी कि हम यहाँ पर डॉट लगा सकते हैं यहाँ पर डॉट की फॉर्म में वो बाहर आ रही है यानी कि वो डॉट के फॉर्म में आपकी बाहर आई ओके, सो आप देख सकते हो जब आपकी आर्क ऐसी थी तो आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या आ रही है इनवर्ड आ रही है जब आपने ये सर्कुलर लूप को बिल्कुल ही ऑपोजिट कर लिया तो इसकी जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स यू आएगी तो ये आपको बात याद रखनी है

कितने टर्न की वायर्स जिसमें कि कितने टर्न है उसको फोल्ड करा है और साथ में कितने टर्न्नस आए हैं उसमें हंड्रेड टर्नस है ऐसे ऐसे करके ओके okay, कितने हैं वायर के हंड्रेड टर्नस है तो आप लिख सकते हो जो टर्न है यानी कि जो एन की वैल्यू है वो कितनी है वो हंड्रेड टर्नस है इसको हंड्रेड टर्नस है और यहाँ से जो करंट जा रहा है करंट की वैल्यू कितनी है इसमें से करंट आपका इसमें से वन एम जा रहा है ओके okay, और क्या पूछा गया है कि वट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉयल जो आपका ये पूरा सेंटर ऑफ द कॉयल है यानी कि जिसमें आपके ड नंबर ऑफ टर्न्स है और उसमें से वन एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और उसका जो आपका सर्कल बन रहा है इसके टर्न होने की वजह से उसके सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी और गिवन दैट रेडियस जो है इस सर्कल का जो बन रहा है दैट इज योर टेन सेंटीमीटर ये आपको गिवन है सारी चीजें तो चलिए अगेन फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपने ऑलरेडी कर चुके हो कि एट द सेंटर ड्यू टू अ सर्कुलर वायर कैरिंग अ करंट क्या होता है सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड आप ऑलरेडी कर चुके हो तो यहाँ पर जो आ, ये हो होगा एट द सेंटर हम लिखेंगे एट द सेंटर एट द सेंटर जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी बी इज इक्वल टू कितना होगा म्यू नॉट म्यू नॉट आई अपॉन टू आर टू आर यानी कि टू आर रेडियस यानी कि यहाँ से लेके वहाँ तक का डिस्टेंस बट ये बिकेस एन टर्न एन टर्नस का है ये एक टर्न के लिए होता था बट यहाँ पर अगर आपके हंड्रेड टर्न है तो दैट मीन्स आप यहाँ पे एन करोगे एन इस नंबर ऑफ़ टर्नस ठीक है तो ये फार्मूला रहता है सेंटर के लिए यानी कि सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी ना आपके पास गिवन चीज़ें क्या है एन की वैल्यू नंबर ऑफ टर्न्र्न आपके पास हंड्रेड है और आपका जो आर है रेडियस है उसकी वैल्यू कितनी है उसकी वैल्यू टेन सेंटीमीटर है अब आपको मीटर में चेंज करना है तो टेन डिवाइडेड बाय आप हंड्रेड

इंटू यहाँ पर आई इज़ वन एम्पियर इंटू ये हंड्रेड टर्नस हो गई डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय यहाँ पर टू इंटू आर अब आर क्या होगा आर यहाँ पर ये यह डिस्टेंस होगा ठीक है रेडियस होगा यानी कि इंटू यहाँ पर कितना आ गया अगर इससे सॉल्व करो तो वन अपॉइंट टेन मीटर होगा तो ये मीटर में वैल्यूज पुट करनी है तो यहाँ पर वन अपॉइंट टेन होगा तो यहाँ पर चलिए सॉल्व करते हैं कितना आ जाएगा बी इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हुआ आपका टू टू जब फोर हो गया यहाँ पर टू बचा तो आपका क्या बचा यहाँ पर टू पाई इंटू टेन इज टू दी पार माइनस था और ये जो एक टेन है वो ऊपर चला जाएगा और ये ऑलरेडी टू यहाँ पे जीरोस है उसके साथ अनदर जीरो आपका लग जाएगा यहाँ पर तो यहाँ पर आपका जो थ्री है वो कितना हो जाएगा दैट इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू टू बा टू पाए 10 टेन डेस्ट टू दावर माइनस सेवन और यहाँ पर टेन डेस्ट टू दी पार कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा तो जो बी है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी टू पाई इंटू यहाँ पर टेन डेस्ट टू दि पार माइनस फोर हो जाएगा ना बी इज इक्वल टू टू पाई पाई यानी कि थ्री पॉइंट वन फोर इंटू टेन डेस्ट टू दि पार माइनस फोर और आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ रही है सिक्स पॉइंट टू एट इंटू टेन डेस्ट टू दर माइनस फोर टेस्ला ओके तो दैट मीन्स आपका जो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर है इसकी वजह से जिसके कि हंड्रेड आपके लूप्स है ऑफ द वायर वो कितनी आएगी उसकी वैल्यू इतनी आएगी जस्ट हमें सिंपल ये फॉर्मूला पता होना चाहिए थैंक यू सो मच